रहने का अनुमान है। यहाँ पर कंपनी की बिक्री और मुनाफे में अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। लगातार मांग में जो तेजी हमने देखी और पिछले दिनों सेल्स में जो आउट परफॉर्मेंस आई है, उसका असर सीधे तौर पर नतीजों पर दिखेगा। मांग में लगातार बढ़त से मुनाफा और आय, मुनाफा जो है 44% बढ़ता हुआ देखने का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। 232 करोड़ से 335 करोड़ पर मुनाफे का आंकड़ा जाता हुआ दिख सकता है और आय में करीब 32% की बढ़त का अनुमान है। 1610 करोड़ से कंपनी की आय जो है 2122 करोड़ तक जाती हुई दिख सकती है। इनके गुरुग्राम मार्केट के परफॉर्मेंस पर खास तौर से नजर रखनी होगी क्योंकि गुरुग्राम मार्केट काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और उसी अच्छे प्रदर्शन का एक इम्पैक्ट है पॉजिटिव, जो कि नतीजों पर पड़ता हुआ हम देखेंगे। प्री सेल्स में बढ़ोतरी से यहाँ पर कंपनी को और नतीजों को काफी हद तक सहारा मिलेगा। कुछ चीजें हैं जिस पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी, ऑफिस पोर्टफोलियो के ऑक्यूपेंसी लेवल्स पर नजर रखनी होगी, साथ ही त्योहारी सीजन से पहले मांग की स्थिति क्या है इस पर भी नजर रखेंगे और नए लॉन्चेस की कंपनी की पाइपलाइन क्या है इस पर फोकस रहेगा। मार्जिन 28.7% से 44.9% पर जाते हुए दिखेंगे और कामकाजी मुनाफे को ध्यान रखें, सबसे ज्यादा बढ़त यहाँ पर 106% की तेजी आती हुई दिखेगी। 463 करोड़ से अनुमान है कि 954 करोड़ तक कंपनी का कामकाजी मुनाफा जा सकता है। तो ऑल इन ऑल डीएलएफ के नंबर्स अच्छे रहने का अनुमान है।